है कि इतनी सारी फेडरेशन बन गई है, यहाँ चीटिंग है, करप्शन है, फिक्स है, yes, yes, yes. उससे क्या होता है कि जो लड़का नया आना चाह रहा है और बहुत ज्यादा डिटरमिंड है, फिजिक बहुत अच्छी है, वो आने से पहले डिसअपॉइंट हो जाता है. एग्जैक्टली. व्हाट डू यू हैव टू से टू दोस पीपल? जो आप स्टार्ट करते हो, लाइक मैं फिजिक मैंने भी स्टार्ट किया था, तो मैं एक छोटे मैंने फेडरेशन से कुछ करता था, फिर मुंबई करने लगा, फिर मैंने महाराष्ट्र करा, देन मैंने नेशनल करा. तो आपको चूज़ करना है, आपको मालूम है गूगल इज़ देयर, गूगल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इतने सारे सोशल मीडिया साइट्स है जिसमें आपको अपडेट मिलते रहते हैं कि कौन सी फेडरेशन है जो लीगल है एंड वो ओलंपिया काउंसिल से, यू नो, जहाँ पे ओलंपिया होता है उसे उनके साथ में, तो आपको वो चीज़ बोली करनी नहीं पड़ेगी. आपको सबको मालूम है कौन सी फेडरेशन है और कौन सी नहीं है. IFBB इज़ द ओनली फेडरेशन, प्रो लीग, IFBB प्रो लीग इज़ द ओनली फेडरेशन, उनके थ्रू आप ओलंपिया कर सकते हैं. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. तो ये तो एक बात हो गई, लेकिन ये आप अपने सीनियर लेवल के हिसाब से कर सकते हो. हाँ. उनकी भी बात कर रहे हैं जो एक छोटे से गांव में, एक छोटे से शहर में रह रहा है लड़का. व्हाट विल ही डू? वो तो बेचारा अपने गुरुजी के कहने पे स्टेज पे चढ़ रहा है, गुरुजी कह रहे हैं साइकिल बंद करो, बंद कर रहा है, right. ये लो वो लो करके उनके हिसाब से काम कर रहा है. लेकिन जब वो अपनी तरफ से 100% देके स्टेज पे चढ़ता है और फिर स्टेज पे उसको पता चलता है कि थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि जो जजिंग पैनल में बैठे थे उनके स्टूडेंट्स भी थे. अच्छा. तो डीमोटिवेट होता है. डीमोटिवेशन से बचने के लिए क्या करना है? क्योंकि जो जजमेंट है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा खुद का मन, खुद का दिमाग हमारे हाथ में है. सो व्हाट डू दे हैव टू, व्हाट शुड दे डू? मैं सभी को उसके बाद रिजल्ट के बाद की राह देता था. अगर आप टॉप फाइव में, आपको लगता है कि आप टॉप फाइव में थे और टॉप फाइव में फिर आपको रखा नहीं गया जस्ट बिकॉज ऑफ कोई और ऐसे से, तो आपको, अगर आप टॉप फाइव से बाहर हो, इसका मतलब आप उस दिन टॉप फाइव से बाहर हो गए, मतलब बाहर हो गए, आप गेम से आउट हो गए. ठीक है. उसके बाद आप कुछ भी कर लो, लाइक आपने वहाँ पत्थर फेंका या फिर आपने डिंडोरा किया या फिर आपने वीडियो बनाया, कुछ भी बना दिया, उसका कुछ वैल्यू नहीं है. जस्ट बिकॉज क्या होगा, आपका नाम खराब होगा. लोगों को पता है, लोग देख रहे हैं, लोग तो अंधे नहीं है, लोगों को पता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन यू नो नॉर्मल है. तो जब ऐसी चीज़ आती है, मेरे पे भी बहुत सारी, बहुत बार आए हुए ऐसी चीज़ें और उसके बाद सिचुएशंस, तो मैंने भी बहुत अच्छे टैकल किया उसको. मैं कभी डीमोटिवेट नहीं हुआ. हाँ, एक दिन के लिए लगता है कि यार बहुत गलत हुआ, छोड़ दो इंडस्ट्री, इंडस्ट्री नहीं छोड़ दो, ना ना ना, बहुत डीमोटिवेट लगता है एक दिन के लिए, क्योंकि यार मैंने बहुत मेहनत किया, 4-5 महीना मेहनत किया, बट मेरे साथ में गलत हो गया या फिर अच्छा नहीं हुआ या फिर अच्छा कर सकता था, मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया था. मैं खुद के लिए जीतना नहीं चाहता था, मैं यू नो मेरे कोच के लिए जीतना चाहता था, मेरी फैमिली के लिए जीतना चाहता था. तो उनके लिए बहुत बुरा लगता है जब फैमिली एफर्ट डालती है ना और फिर उसका यू नो गुडविल नहीं मिलता, तो फिर वो दुख बहुत होता है. तो एक दिन तो के लिए हो गया. हाँ, अब क्या करें? मतलब इतने सारे लोग कहते हैं भाई मैंने छोड़ दी इंडस्ट्री, मैंने खेलना छोड़ दिया. वो सपना उसका खुद का था ना, उसने खेलना क्यों छोड़ दिया? राइट राइट. तो ऐसे हम मोटिवेट रहने के लिए आप क्या करते हो? आप पास्ट में, पिछले अक्टूबर नवंबर में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए थे आपके साथ, बट यू आर स्टिल कंपीटिंग अगेन. यस यस. व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक इज कि मैं गिव अप, जो बोलते हैं गिव अप होनी, हाँ, गिव अप नहीं करना है आपको. अगर आपने गिव अप क्वालिटी अपने अंदर डाल ली तो खत्म हो जाएगा गेम. आपको यू नो आप चैंपियन भी बन नहीं सकते. जब मेरे साथ अक्टूबर में आई वॉज इन ओलंपिया, अमेचर ओलंपिया, बहुत अच्छे फॉर्म में था, बट जजिंग पैनल, जो बेस्ट जजिंग पैनल जो बोलता है वही सुनेंगे सब लोग. तो टॉप फाइव, टॉप टेन में नहीं हुआ मेरा. मतलब मैंने कुछ किया भी नहीं, मैंने नॉर्मल आया, नीचे आया, पानी पिया, मुझे देखा रिजल्ट नहीं है टॉप फाइव में, कोई दिक्कत नहीं, निकल गया वहाँ से. अपने फैंस थे, मेरे फ्रेंड्स थे, सब लोग आए थे, फोटो वगैरह निकल रहे थे, उतना इन्जॉय किया. रात को थोड़ा बुरा लगा, नेक्स्ट जैसे वर्कआउट चालू, अपना रूटीन चालू, उसको जो चीज़ें आपके पास में हो चुकी है उसको पीछे छोड़ दो और नया टारगेट, टेक अ न्यू टारगेट एंड गो फॉर इट, लर्न फ्रॉम इट. एग्जैक्टली. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम थोड़े वो बहुत ही बेसिक कॉमन चीज़ें टच करेंगे. एक बहुत बड़ा मिथ है कि सबसे पहले तो लड़का पूछता है कि भाई प्रोटीन लूँ कि नहीं, साइड इफेक्ट्स क्या हैं प्रोटीन के,